शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो किस तरीके से ग्रो करते हुए आपने अपने आप को देखा, क्या कुछ चेंजेस देखा आपने अपने अंदर? हमारी शादी को 1.5 साल हुआ अभी, और ग्रो वही बात है मैंने जो बोली थी, ग्रो आप टाइम के साथ साथ करते रहते हो, आपको रोज़ एक नई चीज़ सीखते हो, रोज़ एक नई चीज़ जानते हो। तो हाँ, रिश्ता तो एवरी डे ग्रो कर रहा है, हम रोज़ एक दूसरे के बारे में नई आदतें जानते हैं, समझते हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं, किसी पे ज्ञान सुनते हैं, किसी पे ज्ञान इग्नोर करते हैं। तो इट्स ग्रोइंग एंड मूविंग अकॉर्डिंगली। लाइफ कितनी चेंज हुई है? लाइफ चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है, और लाइफ में एक नया विजन आ गया है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ गई है। अभी आपको घर जाने की जल्दी होती है, अपने घर जाने की जल्दी होती है, आपको अपनी वाइफ के साथ बैठकर बातें करने का मन होता है, बदल गई है लाइफ। अभी आप लोग बोलते हैं हम 1 से 2 हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं 1/2 से 1 हो गया हूँ, इनकम्प्लीट से कम्प्लीट हो गया हूँ शायद। काफ़ी बदल गई है ज़िंदगी, छोटे छोटे ज़िंदगी के जो फैसले आप अकेले लेते थे, अभी वो फैसले आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके लेते हो। बलराज 2.0 वर्जन जो है वो शुरू हो चुका है, एंड आई एम रियली लविंग दिस। जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, मैं नहीं कहूँगा कि जिम्मेदारी आ गई है, पहले भी बहुत थी, एंड बट कुछ वो कोई एक अपना वो मिल गया कि जिसको क्या होता है ना, कोई है जो आपके पास है, कुछ भी हो जाए देर इज समबडी विद यू, कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, बट स्टिल कोई आपका है अपना आपके पास। वो जो एहसास है वो जो है, मैं मेरे अंदर की हर नेगेटिव चीज़ को, मेरे अंदर के हर अजीब ख्यालात को, ख़राब मूड को वो हमेशा हरा देता है कि कोई है जो अपना है। सिंगल है तो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आप इन्हें? बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे खुद के काम को लेके शायद मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, उतना डेडिकेटेड नहीं हूँ जितना मुझे ये पुश करते हैं, या जितना मुझे ये इंस्पायर करते हैं, या जितनी इन्होंने मेरे काम को लेके अब तक मेरी हेल्प करी है इन एवरी वे। सो आई फील प्राउड। नहीं बोलते उसको, एफर्ट बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। ये स्टार बनेगी तो मेरा सर भी फक्स से ऊंचा होगा, इसको शोहरत मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी में भी खुशहाली और शोहरत आएगी। तो इट्स नॉट कि इसके लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भगवान इसको बहुत सारी खुशियाँ दे, जो इसका टैलेंट है उसका सही इस्तेमाल करे, जो इसका शौक है, जो इसका जो पैशन है, जिस शिद्दत से ये एक बेहतर सिंगर बनना चाहती है, एक बेहतर आर्टिस्ट बनना चाहती है, मैं कोशिश करता हूँ मैं जितनी उसमें अपना एफर्ट डाल पाऊँ, क्योंकि जिसको कामयाब होना है वो हो ही जाता है, अगर आप उसका साथ दे दो तो आपको भी थोड़ा बहुत वो बोलते हैं क्रेडिट मिल जाता है। मेरी एफर्ट के बिना भी ये कामयाब तो हो ही जाएगी, मैं थोड़ी सी एफर्ट कर दूँगा तो मुझे थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा, थोड़ा अखबारों में मैं भी छप जाऊँगा इसके साथ, थोड़ा मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोल देंगी। He is very supportive, and I feel proud. Okay, आपसे जानना चाहेंगे कितना ये support करती हैं आपको, क्योंकि आपका जो काम रहता है being a comedian, back to back shootings होते हैं, शेड्यूल इतना बिजी रहता है, तो किस तरीके से ये मैनेज करती है, किस तरीके से ये आपको हेल्प करती है? देखिए, स्मार्ट ड्यूटी से पहले तक, क्योंकि अभी ये खुद शूट्स कर रही है तो हम दोनों एक ही नाम में सवार हैं, उससे पहले तक शी ऑलवेज मेक श्योर, इसने हमेशा ये जो है यकीनी बनाया है कि मेरा खाना वक्त पे रेडी हो जाए, मैं शूटिंग जा रहा हूँ तो मैं घर से खाना लेके जाऊँ, मेरी सारी चीज़ें राइट टाइम राइट जगह पर मुझे मिलें, जो मेरा कंटेंट है, जो मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ स्टैंड अप की या अपने गैग्स की या एक्ट की, वो मैं इसके साथ डिस्कस करता हूँ, किसी शो में जाने से पहले मैं अपने स्टैंड अप इसको सुनाता हूँ और उसमें इसकी इनपुट लेता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, और जितना 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 ये करती है आई थिंक बहुत है, मैं नहीं बोल सकता कि ये बहुत करती है, जितना ये करती है बहुत है, क्योंकि बहुत करने वाला एक अजीब होता है कि ये बहुत करती है, ये सब करती है और वो बहुत है मेरे लिए। मुझे अगर स्क्रिप्ट में अटेंशन चाहिए, डिस्कस करने के लिए एक पंचिंग बैग चाहिए, एक बाउंसिंग बोर्ड चाहिए, शी इज़ ऑलवेज देयर, ये बोल देती है भी ये फनी नहीं लग रहा तो वो मैं काट देता हूँ,
और कभी कभी बोलता हूँ कि मुझे लग रहा है फनी, आई थिंक ये वहाँ फूटेगा, शी सेड कि ओके चलो ये रख लेते हैं। डिस्कशंस होती हैं हमारे बीच में, मेरा खाना, मेरे कपड़े, सब चीज़ें टाइम पर मुझे मिल जाएँ, मुझे काम के अलावा और किसी चीज़ में अटेंशन ना डालना पड़े, मेरा जो है वो फोकस ना टूटे, वो सब चीज़ें ये मैनेज करती है। तो शी इज़ अ मैनेजर जब मैं काम कर रहा होता हूँ, एंड शी इज़ एन आर्टिस्ट जब हम दोनों काम कर रहे होते हैं। ओके, स्मार्ट जोड़ी में आप दोनों साथ में ही नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके से वहाँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों जन टाइम एक साथ में स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पे कितना ग्रो किया है एंड वहाँ पे लाइक कह सकते हैं कि आपका प्यार और कितना बड़ा है? प्यार बड़ा है, प्यार कम था ही नहीं जो बढ़ेगा, प्यार तो रोज़ बढ़ता है, रोज़ होता है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा वक्त ज़्यादा बिताया है साथ में, एक दूसरे को समझते हम पहले भी थे। इससे एक चीज़ जो बेहतर हुई है वो ये हुई है कि मैं कभी भी, मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ सोलो ट्रैवलर, मैं हमेशा अकेला घूमने जाता हूँ, मुझे, मैं किसी के लिए कुछ प्लान नहीं करता। उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, शायद मैं कहीं ना कहीं डरता हूँ कि क्या जिस तरीके से मैं उस सफ़र को इन्जॉय करता हूँ, जिस तरीके से मैं रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रुकता हूँ, चलता हूँ, क्या उस पेस में उस कोई और मेरे साथ उस हिसाब से चल पाएगा। इसलिए हम कभी, मैंने इसके साथ कभी कोई ट्रिप टूर प्लान नहीं किया, बट ये शो के दौरान मुझे वो हिम्मत मिली समहाउ, आई डोंट नो कैसे, मैंने हम लोगों का पहला टूर प्लान किया और इसकी ज़ीरो इनपुट लिए बिना, इसको सिर्फ बोला कि परसों जा रहे हैं, पैक योर बैग्स, नहीं तो हमेशा जो होता है कि बता क्या करें, यहाँ चले जाएँ, चल तू डिसाइड कर ले, ऑलवेज केयर्ड, किया नहीं है कभी किसी के लिए ऐसा प्लान कभी कुछ भी, बट वो किया और वो बहुत अच्छा हुआ, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अभी मैं इसके साथ घूमने लेके जा सकता हूँ, मुझे, मैं जहाँ भी जाऊँगा इसको भी ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सही जगह पर सही तरीके से ही जाएगा लेके मुझे, जिसमें मैं भी कंफर्टेबल कुछ रहूँ। ये एक एक जो है ये एक अच्छी चीज़ जो हुई है हमारे साथ इस शो के दौरान भी।